नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन, जिसे कि अपन मेलेज्मा या कोलेज्मा भी कहते हैं। ये किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या लक्षण हमको दिखाई देते हैं, साथ ही साथ इसके बचाव के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे कौन से प्रिवेंशन करें जिससे कि हमको मेलेज्मा की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी जो कि आपकी इस कंडीशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। साथ ही साथ जो ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे उनको आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेलेज्मा और कोलेज्मा दोस्तों दोनों एक ही वर्ड है और ये मोस्टली दोस्तों प्रेग्नेंट वुमन में देखने को मिलता है, लेकिन अक्सर ये ऑल एज ग्रुप में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये कहा जाता है कि अक्सर ये प्रेग्नेंट वुमन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं अपन कि ये मेलेज्मा क्यों होता है। तो दोस्तों हमारी जो स्किन रहती है उसमें मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं और ये मेलेनोसाइट सेल्स दोस्तों मेलेनिन का सिक्रीशन करते हैं। ये मेलेनिन का सिक्रीशन ही हमारे स्किन के कलर को डिफाइन करते हैं। जिनमें मेलेनिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है उनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, और जिन लोगों में मेलेनिन का सिक्रीशन कम होता है उन लोगों का कलर फेयर होता है दोस्तों। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यही मेलेनिन का सिक्रीशन यदि अधिक होने लगे, जैसे कि सन रेज है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिनकी वजह से मेलेनिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और हमारे फेस पे पिगमेंटेशन या कोलेज्मा या मेलेज्मा की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो चलिए वन बाई वन करके सबको जानते हैं कि किन किन कारणों की वजह से हमारे मेलेनिन का सिक्रीशन अधिक होता है और मेलेज्मा की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब इसके कॉजेज के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये मेलेज्मा की प्रॉब्लम हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहला कॉज है दोस्तों हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है और फीमेल्स में मेलेज्मा या कोलेज्मा की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। ये फेस में यहाँ पे फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों, नाक में भी रहती है, फोरहेड में भी कई फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, छठवें से आठवें महीने में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अधिक लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग ज़्यादा करती हैं, तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम यदि महिलाएं एक्सपोजर टू सन यानी सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा रहती हैं, मार्केट जाती हैं, बाहर जाती हैं, तो अपने फेस पे सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाती हैं, फेस को अच्छे से रैप नहीं करती हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम भी उन महिलाओं में मेलेज्मा या कोलेज्मा की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट कॉजेस है दोस्तों हाइपोथायरॉइडिज्म। जिन महिलाओं को हाइपोथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम रहती है उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जरूरी नहीं कि हर महिला को जिसको कि हाइपोथायरॉइड की प्रॉब्लम है उनको ये समस्या देखने को मिले, लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, क्योंकि हाइपोथायरॉइडिज्म में थायराइड जो हार्मोन है उसका डिस्टर्बेंसेस रहता है, मीन्स थायराइड हार्मोन का सही से सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो उन लोगों में भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से मेलेज्मा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉजेस है दोस्तों जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में रहता है, जिनके मम्मी पापा को हो रहा हो या फिर फैमिली में किसी को भी मेलेज्मा की प्रॉब्लम रही हो, तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉजेस है दोस्तों सन एक्सपोजर। यदि आप बहुत लंबे समय तक धूप में रहते हैं, बाहर जाके आपको काम करना पड़ता है या किसी कारणवश आपको घर से बाहर जाना ही पड़ता है, और एक्सपोजर टू सन मीन्स सनलाइट में आप बहुत देर तक काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको मेलेनिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और मेलेज्मा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट कॉजेस है दोस्तों स्ट्रेस। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में रहते हैं फुल टाइम, तो उन लोगों में भी मेलेज्मा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉजेस से दोस्तों जिन लोगों के लीवर डिस्फंक्शन सही से नहीं होते हैं, लीवर ठीक से काम नहीं करता है, डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, तो उन लोगों में भी मेलेज्मा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए अब ये तो हो गए इसके कारण, अब हम जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन वो कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि हमारी इस समस्या में हमारी हेल्प करेगी।
तो इसमें कुछ मेडिसिन मैं ऐसे बता रही हूँ दोस्तों जो कि आप सभी लोग ले सकते हैं, और उसके बाद मैं ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि आप अकॉर्डिंग टू अपने सिम्टम ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बर्बरीस एक्यूफोलियम मदर टिंचर एंड गुलाब जल। ये बर्बरीस एक्यूफोलियम मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने में, फेस पे भी जो भी पिगमेंटेशन है, मेलेस्मा है, कोलेस्मा है, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको बर्बरीस एक्यूफोलियम मदर टिंचर लेना है, उसको गुलाब जल के साथ एक कटोरी में लेकर के दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर के मिक्स करके कॉटन की मदद से अपने फेस पे पूरे पे अच्छे से अप्लाई करना है, और ये कम से कम आप दिन में 3 बार जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मार्गो क्रीम। ये क्रीम बहुत इफेक्टिव है दोस्तों आपके फेस में जो भी मार्क्स है उसको हटाने के लिए, तो इस क्रीम का उपयोग आप नाइट में जरूर करिए, ये क्रीम नाइट में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये दोनों मेडिसिन तो आप सभी को लेना है जिनको कि मेलेज़मा की प्रॉब्लम है, मीन्स बर्बरीस एक्यूफोलियम मदर टिंचर एंड गुलाब जल को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना है, साथ ही साथ मार्गो क्रीम का नाइट में आपको उपयोग जरूर करना है। तो ये सभी लोग ले सकते हैं। अब कुछ ऐसी खाने वाली मेडिसिन बता रही हूँ जो उस मेडिसिन को आप अपने अकॉर्डिंग टू सिम्टम ले सकते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों सीपिया। सीपिया टॉप ग्रेड मेडिसिन है मेलेज़मा एंड कोलेज़मा के लिए। जिन फीमेल में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, साथ ही साथ उन लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर हो और सन एक्सपोजर टू सन की वजह से जिन लोगों को कोलेज़मा या मेलेज़मा की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग सीपिया को 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार जरूर लीजिए। ठीक है, सीपीआर 30 पोटेंसी में जिन लोगों को हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है सन एक्सपोजर की वजह से या जेनेटिक फैक्टर डिसऑर्डर की वजह से अगर यदि मेलेज़मा की प्रॉब्लम है तो वो लोग सीपीआर 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैल्केरिया का 30 पोटेंसी में। ये फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों जिनको कि हाइपोथायरायडिज्म की प्रॉब्लम हो, जिनका शरीर फैटी फ्लैबी हो, चबी हो, ठीक है, मोटे थुलथुले से जो रहती है फीमेल्स रहती हैं उनके लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है। साथ ही साथ जिनको कि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हों, पीरियड्स इरेगुलर चलते हों, तो उन लोगों के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी वर्क करती है, क्योंकि सब डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से उनमें मेलेज़मा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कैल्केरिया का आप 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में लेना है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैडमियम सल्फ। ये मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, और ये पुरुषों में बहुत अच्छा वर्क करती है। जिन फीमेल्स जो बाहर रहते हैं अक्सर एक्सपोजर टू सन काम करते हैं, बाहर धूप में अधिक काम करते हैं, तो उन लोगों में मेलेज़मा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनके ब्रिज ऑफ नोज में, फेस में, यहाँ पर यदि मेलेज़मा की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है मेल्स में, तो ये मेडिसिन उन लोग के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में लेना है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सिनोनेंथस अमेरिकाना 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन उन लोगों में बहुत अच्छा वर्क करती है जिनको कि लीवर डिसफंक्शन की वजह से मेलेज़मा या कोलेज़मा की प्रॉब्लम हो गई हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। जिनका कि डाइजेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, भूख नहीं लगती हो, तो उन लोगों के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों थूजा 200 पोटेंसी में। इस मेडिसिन को भी आप सभी लोग ले सकते हैं जिन लोगों की हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की प्रॉब्लम जाता हो, तो इसको आपको ओनली नाइट में 2 ड्रॉप्स लेना है दोस्तों, दिन में इसको नहीं लेना है, नाइट में ओनली 2 ड्रॉप्स लेना है। बाकी मैंने जो मेडिसिन बताई है बर्बरीस एक्यूफोलियम गुलाब जल के साथ मिक्स करके थूजा 200 को नाइट में जरूर लीजिए, साथ ही साथ मार्गो क्रीम का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। तो ये तीनों मेडिसिन क्या है आप सभी लोग ले सकते हैं। बाकी जो मैंने मेडिसिन बताई है अपने अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप उस मेडिसिन को, कोई भी एक मेडिसिन को इसके साथ में आप जरूर लीजिए, और ये कम से कम आप 4 से 6 महीने इस मेडिसिन का प्रयोग करके जरूर देखिए, जिससे कि आपको मेलेज़मा की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल देगा दोस्तों। चलिए अब इसके प्रिवेंशन के बारे में जानते हैं कि अपन ऐसा क्या करें जिससे कि हमको मेलेज़मा की प्रॉब्लम देखने को कम मिले। तो इसमें जो कारण बताई हूँ दोस्तों उन्हीं कारणों को अपन को ठीक करना है। सबसे पहला क्या है, सनलाइट मीन्स एक्सपोजर टू सन जाने से बचे, जितना हो सके आप बाहर धूप में डायरेक्ट जाने से बचे, हो सके तो अपने फेस पे सनस्क्रीन लोशन लगा के निकले या फेस को अच्छे से रैप कर करके बाहर निकले, और पानी अधिक पी करके बाहर निकले जब भी घर से बाहर जाएं, मीन्स बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रेस या टेंशन कम लें जितना हो सके, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहेगा, साथ ही साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को भी डार्क करने में ये हेल्प करती है दोस्तों। तो जितना हो सके अपना स्ट्रेस टेंशन कम करें, इसके लिए आप योगा प्राणायाम या मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस डाउन होते चले जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों पानी अधिक पीजिए, जितना हो सके पानी पिएंगे आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने डाइट पे जरूर ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, सलाद हो, उसको अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। ऑयली फ्राइड चीज़ों का सेवन जितना कम से कम हो सके जरूर कीजिए दोस्तों। तो ये सब करके अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। होप करती हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी और होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगे ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।